सलार पार्ट टू शोरंगा परवाम का फाइनली यहाँ पे काफी बड़ा लीक एंड अपडेट जो होता है वो यहाँ पे निकल कर आ चुका है। तो बेसिकली काफी सारे लोग अगर यहाँ पे जो है सलार पार्ट टू मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब मूवी आ रही है, कब अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या प्रशांत नील सलार को बनाने के बाद क्या ब्रेक लेंगे केजीएफ की तरह, या फिर दोस्तों सीधा अपने को यहाँ पे जो है सलार पार्ट टू देखने को मिलेगी। तो उसका एक काफी अच्छा अपडेट अपने सामने यहाँ पे निकल कर आ चुका है कि सलार पार्ट टू की शूटिंग जो होती है इसी मही से यहाँ पे जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्रशांत नील पहले यहाँ पे जो है सलार पार्ट टू खत्म करेंगे, उसके बाद दोस्तों उनके आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर यहाँ पे वो काम करने वाले हैं। तो सुनने में अभी यहाँ पे जो ऐसा आया है कि सलार पार्ट टू का पूरा एक शेड्यूल जो है 10 दिनों का एक हाईली एक्शन शेड्यूल जो होता है वो यहाँ पे मनाया गया है हैदराबाद के अंदर, जहां पर दोस्तों अपने को यहाँ पे सलार के जो मेन कैरेक्टर्स हैं मतलब देवा एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है वरदराज मन्नार, उसके बीच में जो फाइट है जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अपने को यहाँ पे दिखाया जाएगा। बिकॉज जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो है सलार को काफी इजिली काफी अच्छे से देखा है तो उनको पता है इंटरवल तक तो मूवी यहाँ पे जो है सपोज करो खत्म ही हो जाती है, बिकॉज इंटरवल के बाद चलती है मूवी फ्लैशबैक के अंदर। एंड सलार पार्ट टू यहाँ पे जो है इंटरवल के बाद क्या हुआ था, बिकॉज तभी अपने को यहाँ पे जो है पता चल जाता है कि देवव्रता जो है उसने यहाँ पे जो है सील को रोक दिया है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है फाइट होगी। एंड जैसे कि यहाँ पे जो है उस औरत ने भी कहा था कि दोनों के बीच में फाइट होगी, कोई एक ही बचेगा, ठीक है। तो इंटरवल के बाद की कहानी जो होती है ना वो अपने को यहाँ पे सलार पार्ट टू के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पे जो है पार्ट वन के अंदर अच्छी बात है कि एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज पार्ट टू के अंदर यहाँ पे जो है वह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मूवी के मेन मटेरियल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। सेकंडली अगर हम बात करें तो गाइस सुनने में यहाँ पे ऐसा आया है कि अब इन्होंने यहाँ पे जो है क्रिटिसिज्म को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे लिया, बिकॉज सलार पार्ट वन के अंदर यहाँ पे जो है ये एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने बहुत सारी चीजें डाल दी यार। अब एक ब्रेन लाइक एक आदमी का इतनी सारी चीजों को प्रोसेस करना लिटरली में बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप लोगों ने तीन तीन कबीले डाल दिए, कबीलों के अंदर यहाँ पे जो लोग हैं उनके भी नाम डाले, गाइस उनके भी अंदर यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स चल रही है, इतनी सारी चीजों को यहाँ पे जो है एक बारी के अंदर लाइक एक बार अगर आपने मूवी देखी उन सभी को हैंडल करना लिटरली में मुश्किल है, जो कि मेरे को भी यहाँ पे ऐसा लगा था जब मैंने दो तीन बार देखी, तो मेरे लिए तो अब सब कुछ यहाँ पे जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो उस क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए जो मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो है पार्ट टू की स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा सा हल्के लेवल में लिखा है, मतलब पार्ट टू की स्टोरी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाली, आप पार्ट टू की स्टोरी को वैसे भी यहाँ पे जो है काफी इजीली यहाँ पे जो है समझ सकते हो। उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो गाइस ये पूरी की पूरी मूवी जो होती है सलार पार्ट टू वो पूरे के पूरे डायनामिक्स हो गया, अंदर की पॉलिटिक्स हो गई, उनके ऊपर यहाँ पे बेस होने वाली। एंड ऑफकोर्स इसमें जो एक्शन आप लोग देखोगे ना वो पार्ट वन से बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत मतलब 10 लेवल ऊपर आप लोग यहाँ पे जो एक्शन होते हैं वो यहाँ पे जो है देखने वाले हो, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी के अंदर अपने को यहाँ पे जो है पहले वाले कैरेक्टर्स हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ 10 से 12 नए एक्टर्स जो होते हैं उनकी भी यहाँ पे एंट्री की जा रही है, बिकॉज अपने को यहाँ पे जो है मूवी के एंड में ऑलरेडी दिखाया गया था कि जो घनियार कबीला है वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है ना, एक शोरंगा कबीला है वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो उनके अंदर भी यहाँ पे जो है कुछ बॉसेस तो होंगे ना, तो उनके भी अपने को यहाँ पे जो है नए फेसेस डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलने वाले। एंड ऑब्वियसली बात है आप लोगों को पता ही है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है लड़ाई हुई है तो कोई तो आया होगा आग लगाने के लिए, ऐसे तो ये लड़ने नहीं वाले, ठीक है, तो वो भी अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड बात करें मूवी कब आ रही है तो मूवी आने वाली है दिसंबर 2025, हाँ दिसंबर 2025 को सलार पार्ट टू यहाँ पे जो है रिलीज होने वाली है। अब आप लोग यहाँ पे देखो शाहरुख खान की द किंग मूवी जो होती है वो भी सुनने में आया था कि क्रिसमस के टाइम पर अपने को देखने को मिलेगी, तो फिर से किंग SRK और प्रभास का यहाँ पे जो है क्लैश तो नहीं होगा, अगर ऐसा होता है भाई फिर से यहाँ पे जो है दोनों की दोनों मूवीज को डेफिनेटली यहाँ पे नुकसान होने ही वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग यहाँ पे जो सलार पार्ट टू को लेकर कितने एक्साइटेड हो, मैं पर्सनली बताऊँ तो दोनों मूवीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, उसके अलावा कुछ और आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ लाइक फॉलो एंड शेयर कर दो।